everyone welcome back to english online class so students today we will do story writing okay so watch the video very carefully i hope at the end of this lesson you will learn how to write a story based on given outline so first let's read the outline of the story very carefully we will read outline of the story and thirsty river slips runs dove plucks leaf fall climbs floats thanks hunter gun aims dove stings foot screams

आपको लग रहा स्टोरी एंट आ गया एक करेक्टर। दूसरा करेक्टर क्या दिख रहा है आपको डव और एक दिख रहा है हंटर ठीक है तो आपको क्या करना है स्टोरी की ये जो आउटलाइन है उसको हमने ध्यान ऑफ द कि स्टोरी हमें आइडिया हो गया स्टोरी किसके बारे में है ठीक so, uh, है, कि है अब हमें जो है स्टोरी जो है इन्हीं आउटलाइन पे बेस्ड यानी इन्हीं आउटलाइन को रीड करके हमें इन्ही पॉइंट्स को यूज करके हमें स्टोरी को डेवलप करना है हमें अपनी स्टोरी को कंप्लीट करना है ठीक है तो बिफोर दैट आई एम गोइंग टू टेल यू एलिमेंट्स ऑफ द स्टोरी राइटिंग ठीक है पहले हम देखते हैं कि स्टोरी राइटिंग के एलिमेंट्स कौन से होते हैं लेट सी उसके बाद हम स्टोरी को डेवलप करेंगे यस एलिमेंट्स ऑफ द स्टोरी राइटिंग फर्स्ट क्या है जो आउटलाइन है डिस्क्राइब्स अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स विथ करेक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स और शॉर्ट फ्रेसिस जैसे कि अभी हमने देखा कि यहाँ पे यस ये आउटलाइन जो थी स्टोरी की ये जो दी हुई है ये है सीक्वेंस वाइज स्टोरी में जो इवेंट्स हैपन हो रहे हैं ठीक है और करैक्टर के साथ इसमें दिए गए हैं इसमें बताया गया है कि फर्स्ट क्या हो रहा है फिर सेकंड क्या है फिर थर्ड क्या है फिर क्या है ठीक है इससे हमें आइडिया मिल रहा है सीक्वेंस इवेंट सीक्वेंस का आइडिया हो रहा है कि स्टोरी में क्या क्या हो रहा है हम एक जर्नल आइडिया मिल जाता है कि स्टोरी स्टोरी किसके बारे में में है क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं एक हमने विजुलाइज इमेजिन करना है कि स्टोरी में क्या क्या हो रहा है ठीक है नाउ एलिमेंट्स ऑफ द स्टोरी राइटिंग सबसे पहले हमारा करेक्टर्स ऑफ द स्टोरी अब हमारे स्टोरी का करेक्टर जैसे कि अभी हमने आउटलाइन में देखा क्या क्या करेक्टर थे हमारे एंड था हमारा हंटर था डव था ये करेक्टर्स थे ना तो करेक्टर ऑफ द स्टोरी द करेक्टर्स इन द स्टोरी मे बी पीपल एनिमल्स एंड समटाइम्स इवन नॉन लिविंग थिंग्स हु टॉक एंड बिहेव लाइक ह्यूमन बींग्स जो हमारी स्टोरी की आउटलाइन जो आपको दी होगी उसमें करैक्टर्स चाहे वो पीपल भी हो सकते हैं एनिमल्स भी हो सकते हैं और कई बार नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकती हैं जो कि ह्यूमन बींग्स की, की तरह बिहेव करेंगी टेंगी अब वो क्यों ह्यूमन बींग्स की तरह नो लिविंग थिंग्स जो होती हैं या एनिमल्स होते हैं क्यों ह्यूमन बींग्स की तरह टॉक या बिहेव करते हैं ताकि हमारी स्टोरी जो है इंजॉयबल और इंटरेस्टिंग बन जाए ठीक है ना टीवी में भी आप कार्टून देखते हैं ठीक है कार्टून मूवीज़ देखे होंगे कार्टून करेक्टर्स भी देखे होंगे कैसे कई बार एनिमल्स या कुछ ह्यूमन बींग्स की तरह बात करते हैं तो कितना इंटरेस्टिंग इंजॉयबल लगता है ठीक है तो स्टोरी में राइटिंग में भी कई बार नॉन लिविंग थिंग्स हो गई एनिमल्स हो गए तो ह्यूमन बींग्स की तरह बात करते हैं डायलॉग्स बोलते हैं तो इससे क्या होता है स्टोरी हमारी इंटरेस्टिंग बन जाती है ठीक है सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ठीक है जो आपको स्टोरी लिखने के टाइम आपको ध्यान रखने हैं डेवलपिंग अ स्टोरी फ्रॉम एन आउटलाइन ठीक है जो आउटलाइन तो हमें दी हुई है स्टोरी की उससे हमें स्टोरी को कैसे डेवलप करना है कैसे हमें स्टोरी बनानी है ठीक है फर्स्ट रीड द आउटलाइन ऑफ द स्टोरी वेरी and एंड अंडरस्टैंड the स्टोरी is ऑल अबाउट सबसे पहले आपको जो स्टोरी की आउटलाइन दी होगी उसको आपने बड़े ध्यान से रीड करना है एक बार में पहले फर्स्ट टाइम रीड कीजिए अगर नहीं समझ में आ रही सेकंड टाइम मतलब दो या तीन बार तो एटलीस्ट उसको आउटलाइन को रीड कीजिए ठीक है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए कि की स्टोरी एक्चुअली में है किसके बारे में आप उसे थ्री टू फोर टाइम्स अगर रीड करेंगे कुछ ना कुछ तो आपको आइडिया जरूर लग जाएगा कि बेसिकली स्टोरी है किस चीज के बारे में क्या है स्टोरी में तो रीड द आउटलाइन ऑफ द स्टोरी वेरी केयरफुली सेकेंड है कि डेवलप द पॉइंट ऑफ एन सॉरी ऑफ द आउटलाइन डेवलप द पॉइंट ऑफ द आउटलाइन इन टू कंप्लीट सेंटेंसेस जो स्टोरी में आपको आपने देखा जैसे कि ये आउटलाइन दिए हुए हैं इनको हमने कम्प्लीट सेंटेंसेस में डेवलप करना है ठीक है फॉलो द आउटलाइन ऑफ द स्टोरी जब भी आप स्टोरी लिखेंगे अगर आउटलाइन दी हुई है आपको तो उन्हीं आउटलाइन को फॉलो करते हुए हमने स्टोरी को कंप्लीट करना है फॉलो द सीक्वेंस इन विच द पॉइंट्स आर गिवन जो भी आउटलाइन में पॉइंट्स दिए हुए सीक्वेंस वाइज जो दिए हुए पॉइंट्स उसको आपने फॉलो करना है दीज पॉइंट्स फॉर्म द सीरीज ऑफ इवेंट्स इन द स्टोरीज ये जो पॉइंट्स हैं स्टोरी के आउटलाइन में जो आपको पॉइंट्स दिए जाते हैं ठीक है उससे आप वो जो है उसी सीक्वेंस को फॉलो करेंगे वही जो सीरीज ऑफ इवेंट्स है वो आपकी हेल्प करेगी स्टोरी को कंप्लीट करने में ठीक है डू नॉट ऑमिट एनी पार्ट ऑफ द आउटलाइन आउटलाइन में जो भी आपको सीक्वेंस इवेंट्स दिए गए उनमें से कोई भी आपने मिस नहीं करना इवेंट सीक्वेंस को डो नॉट इंक्लूड अनरिलेटेड और अननेसेसरी इवेंट्स दैट में चेंज द स्टोरी कंप्लीटली कोई भी फालतू अननेसेसरी इवेंट्स के बारे में स्टोरी में अननेसेसरी कुछ नहीं लिखना जिससे कि स्टोरी चेंज ही हो जाए आपको अकॉर्डिंग टू आउटलाइन ही स्टोरी लिखनी है जो भी आउटलाइन में आपको पॉइंट्स दिए गए हैं उन्हीं पॉइंट्स को आपने फॉलो करना है स्टोरी को लिखने के टाइम अपनी तरफ से कुछ भी फालतू में अननेसेसरी ऐसे इवेंट्स नहीं लिखने जिससे कि स्टोरी चेंज ही हो जाए ठीक है तो इस बात का आपने ध्यान रखना है और एवरी स्टोरी हैज़ अ बिगनिंग मिडल एंड एंडिंग वी नो ना कि हर स्टोरी का बिगनिंग होता है मिडल होता है और एंड होता है जैसे कि मूवी का भी बिगनिंग होती है मिडल होता है एंड होता है तो एक स्टोरी का भी बिगनिंग होती है मिडल होता है और एंड होता है ठीक है इंक्लूड डिटेल्स टू मेक द स्टोरी इंटरेस्टिंग एंड एंजॉएबल टू रीड स्टोरी में हमें ऐसे डिटेल्स ऐड करने जिससे कि स्टोरी जो है हमारी इंटरेस्टिंग और इंजॉयबल हो जाए अब जैसे कि आप मूवीज देखते हैं यू लाइक टू वॉच मूवीज ठीक है आपको मूवीज देखना बहुत पसंद होगा आई थिंक ठीक है तो आप मूवीज देखते हो अगर मूवीज इंटरेस्टिंग नहीं होती इंजॉयबल नहीं होती बोरिंग लगती है तो यू आई थिंक आप लोगों देखना पसंद नहीं करेंगे उनको कोई भी बोरिंग मूवी को देखना नहीं पसंद करता ना तो इंटरेस्टिंग होनी चाहिए इसी तरह स्टोरी भी हमारी इंटरेस्टिंग और इंजॉयबल होनी चाहिए तो हमेशा ऐसी डिटेल्स ऐड करना स्टोरी में जिससे कि स्टोरी इंटरेस्टिंग और इंजॉयबल हो ओके राइट द स्टोरी इन द पास्ट टेंस यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने स्टोरी जो है पास्ट टेंस में लिखनी है इवन इफ द आउटलाइन में भी In the tense. आपको आउटलाइन जो स्टोरी की आउटलाइन है जैसे कि अभी क्या है हमारी प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट टेंस में तो चाहे प्रेजेंट टेंस में आउटलाइन दी हो बट स्टोरी आपने पास्ट टेंस में लिखनी है किसमें लिखनी है पास टेंस में ऑलवेज रिमेंबर आपने स्टोरी पास्ट टेंस में लिखनी है चाहे हमारे आउटलाइन प्रेजेंट टेंस में दी हुई हो ठीक है एंड लास्ट वन पॉइंट इज ठीक है इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिमेंबर टू गिव अ टाइटल टू योर स्टोरी यस टाइटल जरूर स्टोरी को देना है आपने टाइटल ऑफ द स्टोरी टाइटल मीन्स नेम उस स्टोरी को आप क्या नेम देंगे ठीक है जैसे मूवीज स्टार्ट होने से पहले मूवी का नेम आता है आप कोई स्टोरी रीड करते हो बुक में कोई चैप्टर रीड करते हो तो उस चैप्टर का नेम आता है आता है ना तो दैट इज द टाइटल सो टाइटल ऑफ द स्टोरी क्या है चूज द टाइटल दैट इज रिलेटेड टू द मेन करेक्टर और इवेंट्स ऑफ द स्टोरी तो ऐसा करेक्टर और ऐसा मतलब चीज इवेंट्स चूज करनी है जो कि स्टोरी से मेन रिलेटेड हो तो आपने वही टाइटल चूज करना है ठीक है जैसे कि अब हमारी ये आउटलाइन थी ठीक है एंड ध्यान से रीड किया तो दिख रहे हैं एंड अब देखिए ध्यान से पढ़ें तो मेन डव और एंड दिख रहा है तो उन्हीं मेन करेक्टर को उठा के हमने क्या कर दिया टाइटल लिख दिया द एंड एंड द डव एंड ऑलवेज रिमेंबर प्लीज नोट करना जो टाइटल होगा मेन वर्ड्स जो होंगे वो कैपिटल लेटर्स में होंगे जैसे कि मेन क्या है हमारे करेक्टर एंड एंड डव तो एज यू कैन सी वो कैपिटल में है ठीक है और टाइटल स्टार्ट भी कैपिटल से हो रहा है ठीक है सो लेट्सटार्ट दोरी ठीक है और टाइटल जो है हमेशा ध्यान रखना मेन येस मेन करेक्टर्स या मेन इवेंट से रिलेटेड हो ठीक है लेट्स स्टार्ट द स्टोरी On a hot summer day, an ant was walking along the bank of a river. Bank means side of a river. Kinara. Okay. So on a hot summer day, an ant was walking along the bank of a river. The ant was tired and thirsty. Here the ant was starting ant then thirsty, then river. यानी कि नदी किनारे होगी नदी के पास है तभी वो स्लिप हो रही है और तभी वो गिर रही है और उसको प्यास लगी है तो ऑन अट समर डे एंड एंट वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ अ रिवर द एंड वॉज टायर एंड थर्सटी इट वेंट टू द रिवर अब थर्स थी तो इट वू द रिवर टू ड्रिंक वाटर

सिंपल सेंटेंसेस भी बना सकते हैं ठीक है और शॉर्ट सेंटेंसेस भी बना सकते हैं द एंट क्लाइंड ऑन द लीव एंड फ्लॉटेड सेफली टू द बैंक ऑफ द रिवर द एंट वॉज ग्रेटफुल एंड थैंक द डब फॉर सेविंग इट्स लाइफ आप सिंपल भी लिख सकते हैं द एंट थैंक द डब फॉर सेविंग इट्स लाइफ ओके Later that day the ant saw a hunter with a gun aiming at the duck immediately the ant stung the hunter on his foot and he screamed in pain hearing the noise the duck flew away now ending of the story so in this way the ant repaid the duck by saving its life from डेंजर सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ द एंड टैंड द डव ठीक है सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपने आउट लाइन को यूज करके अपनी स्टोरी को कम्प्लीट करना है जो भी पॉइंट्स मैंने आज स्टोरी राइटिंग के लिए बताए हैं उनको ध्यान से सुनिए ठीक है उनको माइंड में रखिए और देन यूज द आउटलाइन एंड राइट द स्टोरी Okay, student.